अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शहजाद शकील। आपको अपने चैनल पे वेलकम बैक करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप जानते हैं मैं यहाँ पर मैथ के लेक्चर देता हूँ, और इसके अलावा स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड जो भी एजुकेशन के न्यूज़ होते हैं वो भी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो जब भी बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज जो मैं करने जा रहा हूँ, तो आपको पता है ये जो प्रूफ है तो रॉन्ग, मिस्टेकन है, इसमें मिस्टेक है, लेकिन वो कौन सी मिस्टेक है आपने स्पॉट करनी है। दोस्तों, आपको पता है 0 बाई 0 किसी भी फॉर्म में नहीं होती, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे। 0 बाई 0 इज़ इक्वल टू 2। वो किस तरह से प्रूव करना है ये मैं अभी प्रूव करूँगा। आपने मुझे बताना है कि इसमें गलती क्या है। अगर आप बता देंगे तो सही है, नहीं तो मैं फिर खुद ही आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि इसमें कौन सी गलती है। एज यू नो, 0 बाई 0 वी कैन से 100 माइनस 100 और 100 माइनस 100। तो 100 में से 100 जाएँ और 100 में से 100 जाएँ तो आपके पास 0 बाई 0 ही आता है। हम लिख सकते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं, 100 को 10 की ताकत 2 लिख सकते हैं, -10 की ताकत 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई गलती नहीं है, 100 में से 100 माइनस जैसे कि लिखा हुआ है। फिर अगर हम चाहें, ये है a की 2 माइनस b की 2 को हम लिख सकते थे, a जमा b a माइनस b। आपको पता है ये फार्मूला है, इसकी मदद मतलब से अगर हम देखें तो 10 जमा 10 और 10 माइनस 10 लिख सकते हैं। बटे में जो चीज़ है 100, इन दोनों में से 10 को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 10 माइनस 10, 10 जो है कॉमन आ गया, ये चीज़ बचेगी। अब आप देखें, यहाँ है 10 माइनस 10, 10 माइनस 10, इन दोनों को हम क्रॉस कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, 10 जमा 10 20, और ये बन जाएगा 10। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 1 एंड 2 बचता है, आपके पास फाइनल हो गया 0 बाई 0 इज़ इक्वल टू 2। वैसे तो किसी भी नंबर के ऊपर 0 को डिवाइड करो आपके पास अनडिफाइंड आता है, जो कि अनडिफाइनेबल है, लेकिन हमने देखा है 0 बाई 0 बराबर हो रहा है 2 के। ये किस तरह से प्रूव हुआ है, इसमें कौन सी मिस्टेक है, अब आपने हमें बताना है कमेंट में। और अगर आपने सही कमेंट में बताया है तो हम आपकी जो आंसर को होगा उसको लाइक करेंगे और हार्ट में हार्ट कर दूंगा, उसके ऊपर हार्ट के लिए हार्ट निशान लगा दूंगा। अगर आपका रॉन्ग होगा तो अब मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मिस्टेक क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने टीचर्स के साथ शेयर करें, और हमें बताएं कौन सी मिस्टेक है। अल्लाह हाफिज़।